अपन स्टार्ट करते हैं कि विच द अवचर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन। तो उसमें सब तो पहला जो इस आम को टिप्पणी आती है विषदाता। विषदाता कौन होता है? विष देने वाला, सीधी जी गल है ना। अगर साढ़े मन में चोर है या आपका किसी को विष दिता है, विष आम तौर पर दिता की जाता है किसी बेलान को चलान से कि किसी के मन में आ गया मैं इस तो बदला कटना है या किसी को मारना है। पहले टाइम पर क्यों होंगे राजा महाराजा एक दूजे को कब्जा करने वास्ते की करते विष दे देंगे, बंदा मर गया कि उसके राजे पर कब्जा कर लिया। सो ये चीज़ा जो विष देने वाले उन्होंने की होंगे उन्होंने जोड़े कह लो सिक्योरिटी सिस्टम के लोग होंगे जो इसे काम करते जो गुप्तचर वगैरह जो है। सो जो ये काम करेगा मान लो आप कितना बड़ा काम है कि किसी को मार देना, अगर आप उसको मारन जा रहे हैं तो की होगा साढ़े अंदर की होगा एक अंदर आत्मगलानी की भावना होगी। आप सोचा कि नहीं बचने की कोशिश करते दिमाग साढ़े मन में चोरी होगी कहते चोर की दाड़ी की तिनका है ना। जब अपने मन में चोर होंगे तो आप किस तरह के काम करते हैं वो काम करते सा दिमाग उलझा होता है कन्फ्यूज होता है साड़ी जी सेंसिज है कर रह के भी वो कम नहीं कर रही होंगे। आप बार बार उस चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो रहे होंगे उस चीज़ को देख रहे होंगे कि आपका काम जो गलत किया क्या वो होया भी है या नहीं होया। सो साडे मन में जो चोर गुस्सा होता है जिस वजह ना वो जो एक लक्षण पैदा होते हैं साढ़े शरीर में एक शरीरिक और मानसिक लक्षण पैदा होते हैं जिन्होंने आचार्य ने विषदाता के लक्षण दसा है। क्योंकि हूँ भी अगर तुम देखो अगर अज की डेट के सिनेरियो की गल करिए राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर सीएम इन्हों के घर इस तरह नहीं है कि आप सोचिए भी इन्होंने घर में खाना जो सीधा बना रहे तो सीधा उसको पहुँच रहा है। अज भी उन्होंने जोड़ा है कैमिकल टैसट करके उन्होंने जो प्रॉपर एक टैसटिंग करके टैस फैसिलिटी के थ्रू उन्होंने खाना जाता है। उन्होंने पहले रसोई बनाते हैं कि उस खाने की प्रॉपर टैसटिंग होंगी हैगी है उस टैसटिंग होने तो बाद वो खाना फिर सर्व किया जाता है। क्योंकि और अज तो पहले राजा महाराजा लोग से उन्होंने की सिस्टम से उन्होंने भी यही सिस्टम से पहले वो की करते कौए को खिला दिता हंस को खिला दिता मोर को खिला दिता एक खाना खिला दिता जाता है। खाना खिलाने तो बाद उन्होंने सिमटम्स ऑबजर्व किया जाता है। जब वो सिमटम्स ऑबजर्व किए जाते हैं उन्होंने अष्टांग हिरदे पढ़िया उन्हें अष्टांग संग्रह फर्स्ट ईयर पढ़िया मुझे देखा कि कुंदन की आवाज आना बांस जोड़ा है वो भी उन्होंने जो खाना छड़ देना मतलब इस तरह के जो लक्षण है कि उस तरह के लक्षण प्रकट होंगे। सो एक कह लो फोरेंसिक सिस्टम से साडा डिवेलप से जो हूँ भी अज तक डिवेलप है। सो उन्होंने एक पार्ट है विषदाता अजक की डेट में आप कह नहीं सकते हूँ एक कोई सेंध लगा के सिर्फ खा अच्कल बहुत कुछ है जिदे नाल कीता जा सकता है इसलिए इन्ना आसान नहीं है कि खाने के अंदर कोई जहर मिला दे कुछ चीज़ मिला दे। लेकिन पहले टाइम तो ये चीज़ा पॉसीबल सी उन्होंने सैनिकों के नाल मिल जाना मिलके भी चले जाना भोजन में कुछ मिला देना। सो उस तरह के लक्षण प्रगट होंगे सी जिहड़ा बंदा सी उस कन्फ्यूजन के जो लक्षण से उसको देख के पहचानने की कोशिश की जाती थी कि कई बार लगता है कि हाँ ये बंदे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो अनुभव वाला आदमी है वो जल्दी पहचान लेता है कि ये क्यों गलत कर रहा है क्यों ये कन्फ्यूज हो रहा है। सो ऐसे टाइम पर उन्होंने सुरक्षा को देखते हुए उसी का ध्यान रखा जाता है। ऐसे आदमी के कुछ लक्षण दस है कि वाणी चेष्टा मुख भंगिमा यह सारी डिफरेंट हो जाती है। और इस तो अलावा कोई भी विश वाल देने वाला जो उस तो पूछने के आंसर ना देना बोलने की इच्छा कर दो या बोल दो घबरा जाना उसका जोड़ा है व्यर्थ की अगर कोई आदमी गलत काम करे तो की करेगा अपने आप को किसी दूजे गलों में उलझाने की कोशिश करेगा व्यर्थ की गल्ला करेगा मूर्खा की बांति हंसेगा उंगलियां झटकटाएगा नखा के दिनके भूमि को कुरेदता रहेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा कोई ऐसी बाबा की ना बनाएगा जिद एक्टिविटी चलती रहे उन्होंने लगे कि हाँ भी मैं ओके है अपने आपको सैटिस्फाई करने वास्ते रह रहकर खंभेगा बैबी दो इधर उधर भागेगा मुँह सुखता रहेगा चेहरा मनान हो जाएगा नखा नाल तोड़ेगा अकार बालों के लोगों की आदत हो जाती जब भी कोई गलत काम करते कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करना शुरू कर देते बालों में हाथ लगाना चेहरे में हाथ लगाना। सो मुद्रा मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी मुद्रा में स्थिर नहीं रहे उसके अंदर जी एक स्थायित्व की हैगी पार्ट हैगा एक स्टेबिलिटी हैगी है मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी हैगी है वो खत्म हो जाएगी जी है। सो ऐसी जगह तो जाएगा जिस जगह तो जाना ही नहीं है जाते जाते जिस रस्ते तो जाना उस रस्ते जाएगा ओपोजिट रस्ते चला जाएगा जो काम किया बार बार मुड़ मुड़ के देखेगा दरवाजे को बंद करने की कोशिश करेगा। सो ये वो चीज़ है कि जिहड़े चेष्टावों तो विपरीत जिहड़ी आम चेष्टा हूँ एक आदमी नॉर्मल काम कर रहा उन्होंने की प्रॉब्लम है कि बार बार मुड़ के देखे भी की हो रहा है की नहीं हो रहा। सो उस तो रिलेटिड वो लक्षण प्रगट होने हैं अज्ञानी मूड के समान वाचन करेगा। सो ये जो लक्षण है ये आप कहते विषदाता के लक्षण ठीक है। लेकिन ऐसे में की होंगे हूँ एक आदमी बहुत एंक्शियस है आप कहते एंगजायटी एक बंद ने किसी ने डांट दिता बुरी तरह डांट दिता हूँ राजा महाराजा लोग की होंगे छोटी जी गलती होगी तो वाट लगाती उसकी जी है ना मतलब छोटी जी गलती हूँ आदमी की होंगे कई आदमी की नेचर होती कुछ भी बोलिया उन्हें एग्जाम में एक बच्चा आया वो डांट दिता सर मेरा तो पेपर खराब हो गया चाहे होया कुछ ना ही ना हो जाएगा बाहर जाके शोर मचाता घबरा गए या अंदर ही घबरा गए पसीने छुट गए कोई आंसर ना दे पाए। सो ऐसे टाइम पर आचार्य ने स्पैशल जोड़ा है इस चीज़ वास्ते दसा सुशुद ने अपने कल्पना कि एंगजाइटी होगी या कोई चीज़ भय भी भय दे आ रही है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅਵਚਾਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਚਾਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੂਟਸ ਔਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਫ ਦਾ ਪਾਇਜ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੂਟ, ਸੋਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੂਟ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਦੇ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਇਆ, ਖਿਲਾਇਆ, ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਊਥ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਰੂਟ, ਪੈਰੈਂਟਲ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਇੰਟਰਾਮਸਕੁਲਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਾਮਸਕੁਲਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਾ ਆਰਟੀਰੀਅਲ, ਇੰਟਰਾ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਟਰਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੰਟਰਾ ਓਸ਼ੀਅਸ। ਇੰਟਰਾ ਓਸ਼ੀਅਸ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਨਸ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੇਨਸ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਾਈਨਲ ਨੀਡਲ, ਸਪਾਈਨਲ ਨੀਡਲ ਸਿੱਧਾ ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੂਲਾ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਾ ਓਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਪ, ਬਿੱਛੂ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵਿਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਓਸਟੋਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਰੂਟ, ਆਈ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਰੂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ